भाड़े का बाप चाहिए। पिछली बार तो 500 लिए थे। ठीक है, 1000 का इंतजाम हो जाएगा। बस बाप तैयार रखियो। बहुत ठंडी लग रहा है, देर हो रहा है। अरे क्या कौन हो तुम? डैडी, मैं स्वीटी। स्वीटी, मतलब मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ कि आप ही मुझे पहचान नहीं पाए। अरे कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी लग रही हो, भूतनी। कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ जाके नहा कर आओ। अरे खड़ी क्या हो? ठीक है, बैठ जाती हूँ। अरे गाहे बैठ जाती हूँ, जाओ जाके मुंह धो भाई, नहा कर आओ। हमको देखो, हम पूरा नहा धो के फ्रेश होकर आए हैं, और तुम ये देखो ब्रश भी नहीं की हो। अरे कितना टाइम लगता है बेटी सब करने में? डैडी, टाइम तो लगता है ना, आप नहाने वाले एक और ब्रश करने वाले 32 दांत, सोचो। अरे काहे के 32 दांत, तुम्हारे 4 अकल के दांत तो आए नहीं अभी तक। इसीलिए सब कहते हैं कि मैं ना बिल्कुल आप पर गई हूँ। अच्छा, हैं? क्या बोल रही तो? डैडी, आप जल्दी से ना शर्ट पहन लो, आप जिस तरह कांप रहे हो, अगर ठंड लग गई ना तो आपको गैस पे रख के गर्म करना पड़ेगा। देखा कैसी बेटी है, बाप को गैस पर रखकर गरम कर देना चाहती। देखो इससे पहले कि हमारा पारा तप जाए, निकलो भागो यहां से, टक टक भागो भागो यहां से, भाग। ऐसी लड़की है ये। अरे बीना, हमारे कपड़े कहाँ रखे हैं भाई? अरे वो है, रखे हैं डाइनिंग टेबल पे। बताओ, जहाँ खाने का सामान रखना चाहिए वहां पे कपड़े धर दिए हैं, अब क्या हमको खाना तुम गुसल खाने में खिलाओगी? सुबह हुई नहीं कि बड़बड़ाना शुरू। सारे काम हम ही को तो करने हैं, कोई भी चीज। अरे ये रहे हमारे कपड़े, हमारा रुमाल, ये रहा हमारा, ये तो पैंट है। अरे तो शर्ट कहाँ है बीना? अरे अभी शर्ट कहाँ रखी है? पैंट के बगल में तो है। अरे पैंट के बगल में तो हम हैं, शर्ट कहाँ है भाई? अरे आँख खोल के देखिए ना ठीक से। अरे कहाँ ठीक से देखिए, देखिए होती तो दिखाई दे दे। अरे अरे राधिका, बेटा बेटा एक बात तो बताओ, तुमने हमारी शर्ट देखी है क्या? हाँ। अरे तो कहाँ है पापा? वो तो घूमने गई है। अच्छा ठीक है, घूमने गई है कहाँ? पड़ोस में। पड़ोस में हमारी शर्ट क्या कर रही है? झगड़ा सुनने गई है पापा। अरे तुम ठीक तो हो? हाँ। एक मिनट, मशीन कहाँ है तुम्हारी? मशीन कहाँ है जो कान में लगाती हो? मशीन कहाँ? बाहर, ये देखो इधर, ये पहनो इसको, पहनो। एक तो सुनाई कम देता है, ऊपर से मशीन नहीं लगाएंगे। अपने पापा का बस पैसे का बर्बादी करते रहो और कुछ नहीं। मम्मी देखो ना पापा मुझे क्या बोल रहे हैं। अरे मम्मी, अरे सुनो इधर। खबरदार जो हमारी बिटिया को दोबारा डांटा तो। गलती हो गई भाई, गलती हो गई। अब तुम मत शुरू हो जाना सुबह सुबह मेरी माँ। हाय राम, अपनी धर्म पत्नी को माँ कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती? तुम परलोक से धार चुकी हो, फिर भी दिन भर चबर चबर करने में तुमको लज्जा नहीं आती है? हम तो बोलेंगे ही, अगर आपने हमारी प्यारी बेटियों को कुछ भी कहा ना तो हम आपसे जरूर बोलेंगे, एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। हाँ बोलो, 1000 बार बोलो। देखो हमारे घर में एक ही काम है और वो है सुनना, तो हम तो सुनेंगे, तुम बोलती जाओ। अरे सुनो, तुमको पता है हमारी शर्ट कहाँ है? हाँ हाँ, पर बताएंगे नहीं। देखा, बीवी धरती पे हो या स्वर्ग में, पति की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी तरह जानती है। का किससे बतिया रहे हैं आप? हम तो अपना दीवार दीवारों से बात कर रहे हैं। प्यारी बीना, ये तो बताओ मेरी शर्ट कहाँ है? बीना चार हॉकी स्टिक तैयार रखियो। ओ हंटर वाली मेम साहब, जरा इधर तो आना,
बाद में फोन करो सो। इधर इधर जयराम जी के बापू। अरे जयराम जी की छोड़ो, ये बताओ कि ये क्या पहना है तुमने? है शर्ट से बापू और के? ये क्या तुम्हारे बाप की शर्ट है? नहीं तो थारे पिताजी की शर्ट से। घंटा भरेंगे। उतारो हमारी शर्ट, उतारो। नखून तो लगा कर दिखा, मम्मी को बता दूंगी थारी सारी करतूत, तो फिर बनते रहना एंग्री यंग मैन। ए तो क्या है तुम, मम्मी का नाम लेके हमको डराती हो क्या? आदमी जिससे डरे से उसी से तो डराओ बापू। बड़ी माँ को क्या घूर? चलो फटाफट तैयार हो जाओ, थारे कुमार साथ स्कूल चलना है। स्कूल काहे? अब मारे को क्या पता काहे, हमारा बकाया तो प्रिंसिपल बोला कि अपने बुढ़े बाप को, हमारा मतलब है अपने बापू को लेकर आ, वरना स्कूल में घुसन ना देंगे। तो मन ने भी कह दिया, ए प्रिंसिपल बापू के चीज है, बापू को ले आवेंगे हम। अच्छा, बापू के बापू को कहाँ से लाएगी? ऊपर से बात करो सर। क्या बात कर रही है? बोल देना था ना प्रिंसिपल को कि हमारे पापा को छुट्टी नहीं मिलती है। देखो बापू, मारे पास ना टेम कम से, चलना है तो बोल वरना 1000 रुपए निकाल। हैं 1000 रुपए क्या के लिए? अब थारे को ना चलना है तो ना, थारी मर्जी, पर मारे को तो किसी ना किसी को बापू बनाकर पेश करना पड़े थे ना। पर तू टेंशन ना ले बापू, हर दर्द की दवा होती है। क्या बोली बापू? मैं तो थारी एडवाइस फॉलो करो सू, याद से हमारे पे गधे को भी बाप बनाना पड़े सर। लेकिन यहाँ तू बाप को गधा बना रही है। लेकिन अरे काहे लेकिन, अभी तो हम जिंदा है भाई। लेकिन बापू थारे पास टाइम ना है ना? अरे टाइम नहीं तो क्या हो गया, हम जिंदा तो हैं और तू है कि बाहर से किसी किराए के बाप को लाकर हमारे सामने खड़ा कर देगी। हो गया, चल अब 1000 रुपए निकाल। निकाल बापू, जमाना आ गया है, 1000 रुपए में बाप मिलता है। बीना, ए बीना। अरे यार है ना, काहे चिंगाड़ रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है बताइए। ये कौन है? काजल, हमारी बिटिया। इसका बाप कौन है? आपका दिमाग तो ठिकाने पे नहीं, क्या बके जा रहे हैं? अरे कुछ भी, हमारा कहने का मतलब वो नहीं है। तो उठपटांग बातें काहे कर रहे हैं आप बच्चों के सामने? पता हमसे क्या पूछ रही थी कि बापू आप हमारे साथ स्कूल चलिए, नहीं तो हमें 1000 रुपए दे दीजिए। अरे तो दे दीजिए ना, दिक्कत का है? तो दे दीजिए ना, दिक्कत क्या है? बोलिए जरा, पूछो तो सही, काहे मांग रही थी ये? आप बिना स्कूल में फार्म वारम भरना होगा। अरे कोई फार्म वारम नहीं भरना है, 1000 रुपए में दूसरा बाप लाएगी ये। क्या? हाँ। मम्मी तू ही बोल। हाँ? एक घंटे का बाप बनने का 1000 रुपए महंगा लगे है के? नहीं बेटिया, बहुत ही सस्ता है, तू कितना ध्यान रखती है ना हमारा। अरे बॉस का नंबर कहाँ चला गया? हाँ मिला। स्वीटी बेटा, जरा ऑफिस में फोन करके बता दो कि आज हम ऑफिस में नहीं आ पाएंगे। पर डैडी, इसमें इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है? अगर आप नहीं जाओगे तो वो लोग वैसे ही समझ जाएंगे ना कि आप नहीं आ सकते। नहीं बेटा, वो नहीं समझ पाएंगे, उनको बताना हमारी मजबूरी है। डैडी आपकी क्या मजबूरी है? अरे हमारी मजबूरी तो ये है बेटा कि हम तुम लोगों के बाप हैं। अच्छा, अच्छा। लाइए मैं फोन कर देती हूँ। अरे लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो, हाय, मैं स्वीटी बोल रही हूँ।
स्वीटी माथुर, आनंद माथुर को जानते हो? हाँ, वो स्वीटी माथुर के डैड हैं। इसी बात का तो गम है कि हम उसके डैडी हैं। डैडी ना आज ऑफिस नहीं आ सकते, उनकी ना एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि वो हमारे बाप हैं। हाँ, क्या बोली? एक क्या बोली? गुड मॉर्निंग सर, हम आनंद माथुर बोल रहे हैं। अच्छा सर, सर आज हम ऑफिस नहीं आ सकते सर। नहीं सर, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे सर, हमको बहुत ठंड लग गई है सर। कहाँ लग गई है? फुल बॉडी में लग गई सर, टॉप टू बॉटम। वो क्या होना सर कि हम दो बार नहा लिए ना तो ठंड पकड़ गई सर। नहीं सर, आगे से तुम एक बार भी नहीं नहाएंगे सर। थैंक यू सर। भेजा है? किसने भेजा? अरे हमारे ससुर ने भेजा। भेजा। ओह, यू मीन ब्रेन? हाँ। अभी चेक नहीं करवाया? होगा भी नहीं। अभी ना, इसको कमरे से बाहर निकालो वरना हमारा भेजा फट जाएगा। स्वीटी, बाहर जाओ बेटा, पापा को आराम करने दो। जाओ, बाहर जाओ। डैडी, मैं जाऊँ? ए, चलो भागो यहाँ से। गंगा आंटी ने बोला जाके अपने घर पे टाइम पास करो, या तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं लड़ते? चुगली। तो कह दिए नहीं लड़ते। हिम्मत है हमारे डैडी की, हमारी मम्मी से जबान लड़ाए, जबान खींच लेंगी हमारी मम्मी। शाबाश बिटिया, शाबाश। क्या शिक्षा दे रहे तुम हमारी पुत्री को? वाह वाह, आप उठ गए? यूं समझ लो कि हम तो उठ ही गए हैं। बेटा, हमने आपसे आपके पिताजी को बुलाने के लिए कहा था। यो रे मारे बापू प्रिंसिपल। किधर है? यो ही तो है, हाँ? दिखे ना है के? नमस्ते जी। ये? लेकिन पिछली बार तो कोई और आया था माथुर साहब। हाँ? लास्ट टाइम धारे से 500 रुपए लिया था ना? तुम्हारे को भाड़े का बापू मिल गया। ये क्या खुसर पुसर चल रही है? लास्ट टाइम इसने 500 पांच बार हमसे कहा था कि प्रिंसिपल साहब से मिलने चलिए। उस समय हम बनारस के बाहर गए हुए थे, तो भैया जी आकर मिले होंगे, है ना भैया? भैया जी। लेकिन ये तो बोल रही थी कि वो इसके पिताजी हैं। ऐसा मैंने कब बोला था? मैंने बोला यो था कि गार्डियन से। अब कान में गोंद लगा के बैठोगे तो उसमें मारा के कसूर? शट अप। देखा देखा आपने से? बाय द वे माथुर साहब, आप इसके पिताजी मिस्टर आनंद माथुर हैं, इसका क्या सबूत है? क्या अब हमको इस सबूत देना पड़ेगा कि हम इसके बाप हैं? अगले महीने तीसरा आ गया तो गोली से उड़ा देंगे। ये देखिए, ये हमारा पैन कार्ड है, ये आधार कार्ड है, ये लाइसेंस है, और ये वोटर्स कार्ड है। अब इसके अलावा कुछ पासपोर्ट वगैरह चाहिए तो वो भी आके दे देंगे आपको, बताइए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे रखिए। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसने अपना बिहेवियर नहीं सुधारा तो मजबूरन हमें इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ अजी? क्या क्या नहीं हुआ साहब, 11th स्टैंडर्ड में पिछले 3 साल से है ये। अरे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती है अजी, लड़की होकर लड़कों को मारती है, स्कूल के टीचर्स को डराती है, धमकाती है। और कल क्या हुआ जानना चाहेंगे आप? नहीं मतलब, हमारे हिंदी के टीचर ने इससे कहा कि जा रही सुन नहीं, मैं जा रही हूं, इसकी ग्रामर सुधारने को कहा। ये दंगल फिल्म देखने के बाद ही शुरू हुआ है, जा रही सुन आ रही। देखिए साहब, चाहे दंगल देखियो चाहे मंगल देखियो, अरे इसने हमारे हिंदी के टीचर को गंजा कर दिया। गंजा? हाँ, उसके सर में च्युइंगम लगा दी, बेचारे को मजबूरी में गंजा होना पड़ा। वो क्या मुंह दिखाएगा अपने घर वालों को? मतलब मास्टर फुल सफा चट हो गया से, अब आएगा असली मजा उसको चढ़ाने में। देखा आपने इसके पत्ते में जी? देखिए, अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रही तो हम इसे कर लेगा तू, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। रख करके तो देख। You are suspended for 8 days. वाह प्रिंसिपल, वाह। ए राम। नाक्षी दीदी, राधिका दीदी, चुगली, आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। अरे दीदी,
जल्दी चलो, आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। क्या? और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ए जी, बहुत हुआ अनसन, ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा है। खाना खा लीजिए ना। छोड़ो, खा लो ना पापा। ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा है, नहीं तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। अरे आसमान टूटने पर इतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी चोट इस लड़की ने हमें पहुंचाई है। लोग हमसे इसका बाप होने का सबूत मांग रहे हैं और उस बेचारे आदमी को अपने घने सुंदर लहराते हुए बालों से हाथ धोना पड़ा इस लड़की की वजह से। मरने तो कभी ना बोला था उसे ऐसा, हाँ? बावली पूछ था जो गंजा हो गया। आसलेट से नहाता तो बबल गम अपने आप निकल जावे से। रब्बे अकल था तो उसमें मारा क्या कसूर भाई? सुना तुमने? सुना? चुप कर, झाड़ू का है, हम तुमको ना बाद में देखेंगे। ए जी, आप खाना खा लीजिए ना, काहे सजा दे रहे हैं अपने आप को। खा लीजिए ना दादी। देखिए अपनी आंखें ही बंद कर ली, अब किसी को पता नहीं चलेगा। खा लो पापा, नहीं तो 2 घंटे बाद दर्द, 2 दिन बाद कमजोरी और 2 वीक्स के बाद तो मत। ऐसा मैंने इंटरनेट पे लिखा है। खा लो ना पापा, आपकी मनपसंद सब्जी पालक पनीर और इमली की चटनी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये लड़की माफी नहीं मांगती और सुधरने का वचन नहीं लेती तब तक अनशन जारी रहेगा। ये क्या पालक पनीर और क्या इमली की चटनी, हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। ए बेटिया, माफी मांग लेना पापा से। ए सर, माफी से काम नहीं चलेगा। इसको बोलो कि पहले अपना व्याकरण बदले, कान खोल के सुन लो। 1 हफ्ते तक इस घर का सारा काम करना पड़ेगा तुमको। अच्छा? हाँ। क्या काम? क्या काम क्या, अरे झाड़ू पोछा बर्तन और क्या काम। ओ बापू, मारे को अपनी काम वाली बाई इलायची समझ रखे हो। सुन लो, मारे को नहीं करना यो सब फालतू काम। हाँ तो ठीक है, फिर अनशन जारी रहेगा। सो गई। आज पता चला गांधी जी ने देश के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हमसे तो एक दिन अनशन नहीं हो पा रहा है। हम तो भूख से ही एक्सपायर हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ करना पड़ेगा। घोड़े बेचकर सो रही है, यही टाइम है कि बाहर जाते हैं और पेट पूजा कर लेते हैं, फिर सुबह से वापस अनशन कंटिन्यू। कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। क्या जमाना आ गया है ना, खुद के ही घर में चोरी चकारी कर रहे हैं जी। अरे किसी महान आदमी ने कहा है कि जब जान पर बना है तो थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है, और ये तो फिर हमारी अपनी जान पर बनाई है। तुम ही सोचो, अगर हमें कुछ हो गया तो तुम तो विधवा, तुम पर क्या असर होगा। खाना सूंघ रहे थे कि कहीं सड़ तो नहीं गया। आपको खाना तो ना, पर थारी नीयत जरूर सड़ गई से। तुम्हें भी यही टाइम मिला क्या जागने के लिए? भूख के मारे नींद किसे आ रही से, पेट में चूहे कूद रहे हैं चूहे, एक दाना नहीं गया है सुबह से, और थारी इस नौटंकी की वजह से मारे को भी खाना ना मिला है। ये तो बहुत नाइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है भाई, ये तो बहुत गलत है। देखो 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 बेटा, क्या है ना कि अभी तो रात बहुत बाकी है और हमारी हालत तो अभी से बहुत टाइट हो गई है, ऊपर से इज्जत का भी सवाल है। बापू इज्जत की तो बात ना कर, इज्जत तो तुम्हारे भी दांव पे लगी है। करेक्ट, इज्जत तो तुम्हारे भी दांव पे लगी है,
तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, देखो भाई क्या हम लोग आपस में ऐसे बातचीत करके बात को निपटा लें, क्या बोलती? पापू मारे ठीक से झुकने का ना 5,000 रुपए लगेगा। 5,000? सोच लो पापू, हाँ या ना? अगर अगर हम ना कह दें तो? सबको जगाने में ना देर ना लगेगी बापू। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। कितनी अच्छी है मेरी बेटी। अरे का हो गया, काहे हंगामा मचा रहे हो दोनों जन? हाँ तो मारी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी मम्मी, मन्ने ना काफी सोचा से और मारे को भी लगा कि मैंने बापू को ना बहुत चोट पहुंचाई से, इसलिए बापू मारे को ना थारी सारी शरत मंजूर से। क्या? हाँ भाई, मारे को भी तो सुधरने का मौका मिला से। मौका मिला है? क्या? नहीं मतलब नाटक कर रही है ना? एक मिनट, एक मिनट। बाप बेटी में का कसूर कसूर हो रही है? हाँ का का? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो अनशन खत्म करने की बात कर रही है ना। चलो चलो जाओ जाओ, खाना लाओ, अभी बहुत भूख लग रही है हमको। जाओ 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 जाओ। देखा आपने, चाहे बेटी हो या बीवी, झुकना तो आदमी को ही पड़ता है।